हरदा खिरकिया विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 135 से भाजपा प्रत्याशी कृषि मंत्री कमल पटेल अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद रैली में शामिल हुए भाजपा के प्रत्याशी कमल पटेल ने जन सैलाब को संबोधित कर कहा कि हरदा को शत प्रतिशत सिंचित जिला हमने बनाया है। इसके साथ ही हरदा में भाजपा की जीत का दावा किया है। इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सरकार का जन समर्थन दिखाई दे रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ अब तक कमल पटेल जी जितने वोटों से जीते हैं उससे कई गुना अधिक वोटों से इस चुनाव में जीत को सुनिश्चित करेंगे। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन तेजी के साथ बढ़ रहा है, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। मध्य प्रदेश में भाजपा स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल।